गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निका वाली के लिए निकल रहा है नौ न्यूजली ट्रैवलिंग इन न्यूजली रोड। देखिए रेलवे के रास्ता इतना ख़राब है। अभी हम लोग सेवन श्री ब्रिज में पहुंच चुका है। गाइस अभी हम लोग लिका वाली में पहुंच चुका है। लिका वाली का अभी आर्कियोलॉजी सीट में जाएंगे। अभी हम लोग आगे की ओर जाएंगे। हमारा ड्राइवर सर हम लोग को ले जाएंगे। अकल भाई देखिए अभी हम लोग आगे जाएंगे। चलिए का रास्ता रोड कंडीशन तो इतना ठीक नहीं है। इन लेका वाली मनीली तान का अंदर में रास्ता मंदिर देखो ये न्यू मंदिर है। ये हमारा ड्राइवर साहब बता रहा है न्यू मंदिर। ये कुछ कुछ दुकानदार करने जगह है। नाउ दिस इज ए पार्किंग प्लेस। दोनों के स्कूटी को यहाँ रखेगा। हम लोग स्कूटी से आया तो आए हुए थे। क्या हेलमेट को भी रखना है क्या? ना ले जाएगा हेलमेट यहाँ रखेगा ना? कोई तो नहीं लेगा। चलिए अभी हम लोग आगे जाएंगे। पूजा के लिए हम लोग सामान ले रहे हैं। अभी जाएगा मंदिर। यहाँ से इतना दूर ज़्यादा दूर नहीं है ना। यहाँ में साइन बोर्ड लिखा गया है। साइन बोर्ड कैरी नहीं करना है प्लास्टिक इसमें, इसलिए यहाँ में दिया गया है। हम लोग प्रसाद ताकि दोबारा यूज़ कर सकना है। दुकानदार को फिर वापस देना है। अब यहाँ में टिकट काउंटर लेना है। टिकट काउंटर भी ले लेना है। बैन फॉर प्लास्टिक इन दिस एरिया प्लास्टिक जोन। एंट्री एग्जिट भी है यहाँ में। गेट टिकट काउंटर से टिकट एंट्री टिकट लिया है। अभी हम लोग एंट्री करेंगे। थोड़ा पोतो वोतो भी खींचा है गेट में। एंट्री पर्सन भी नहीं है। आराम से घर जा रहे हैं। पता नहीं अंदर भी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन गेट में तो नहीं था। पिक्चर का तरह से ना।
से 12th सेंचुरी के एडी में ये टावर उस जमाने का आप लोग बने रहिए, हम लोग अभी और देखेंगे आगे में क्या क्या है खूबसूरत मंदिर में। ये हमारा अरुणाचल का एक टूरिस्ट प्लेस है, जीके में पढ़ने मिली है। जीके में बहुत पढ़ता होगा लेकिन आप लोग रियलिटी नहीं देखा होगा, आप कभी आके देखना है ये सुंदरता को देखने के लिए। ऊपर चलना पड़ेगा ना, लॉन्ग भी तो चढ़ सकते हैं। लॉन्ग से जाने से ऐसे होता है कि दो रास्ता है, तो वहाँ से जाने से इजी होगा, आराम से जाएगा, और यहाँ से जाने से आपको ज़्यादा अभी सुना होगा आप लोग यहाँ से नौजवान लोग के लिए है, वहाँ में डिजेबिलिटी लोग के लिए बनाया गया रास्ता, मतलब आरामदायक से आराम से चढ़ सकते हैं वहाँ से। दिस इज अ मैप, माने मैप है ये मालिनी तान का, देख सकते हैं मैप आपको अच्छा से। हाँ, थक गया, हमारा दोस्त वहाँ में आराम से बैठा हुआ है। चढ़ाई से उठ के आपको कैसे लगा है? प्लेन प्लेन जाके अभी वो थक गया, इतना उच्चा रहा है सीढ़ी चढ़ने का बाद में एनर्जी ले रहा है। इसके बाद मंदिर विजिट करेगा, मंदिर दिखा दो। मंदिर ये चारों तरफ में कबूतर है, बहुत सुंदर नज़ारा। उसका और तो यही सिर्फ है ना, ये नया बनाया है, पुराना वाला काम है ऊपर में है क्या? ऊपर तो नहीं चढ़ सकेगा जैसे लग रहा है, ऊपर तो ऊपर में है, हम तो नहीं सकेगा जैसे लग रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। देखिए कबूतर भी इतना डर नहीं है, ये लोग आदमी के पास में रहता है। देखिए देखिए कबूतर, देखिए यहाँ का कबूतर पूरा पैर को काट रहा है, मेरा पैर को देख सकते हैं आप लोग, मेरा पैर का लीस को पूरा काट रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये कबूतर लोग डर ही नहीं है इंसान का, पूरा पैर में उठ के घूम रहा है। देखिए देखिए डर नहीं ये कबूतर, तो कबूतर को एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, हम लोग का अरुणाचल ज़्यादातर कबूतर को भी कह लेता है, इंसान की माफी कहिए। वहाँ में भी पूरा कबूतर फैला हुआ है, ये है ये पुरना वाला को मॉडिफाई किया, ये मॉडिफाई पुराना में वो ये पुराना है, ये पहले 12th सेंचुरी से है ये सब। ये एक स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा, एंट्री गेट में है, अंदर में पूरा सजाया हुआ है। ये है अंदर का मंदिर का स्ट्रक्चर, अंदर आने के बाद आपको पता चलेगा। दिस इज अ मेन आर्कियोलॉजिकल मालिनीता तान, ये देखो पूरा म्यूजियम है, पुराना एक स्ट्रक्चर ये है एक्चुअली, बहुत सुंदर लग रहा है देख के, आप लोग भी विजिट करना है यहाँ में। अभी हम लोग को पंडित बोला है तीन बार यहाँ घूरने के लिए, हम लोग अभी परिक्रमा परिक्रम
दौरान हो चुका है अभी हम लोग और बच्चा है अभी ये लास्ट राउंड है हम लोग का ना थ्री राउंड कंप्लीट होने वाला है इसको बोल के ये राउंड को बोल के तीन राउंड कंप्लीट हो जाएंगे सब में देवी का अलग-अलग ग्रुप है जितना भी मालिनी ना इसमें दोनों 12th सेंचुरी से है नाउ प्योर स्टोन्स सदियों से अरुणाचल में आए हुए ये आर्कियोलॉजिस्ट ये पत्थर लोग का कोई आकार नहीं है ये पत्थर लोग एकदम वन ऑफ द ओरिजिनल पहले जमाना से आए हुए हैं और देखो वहाँ में एग्जिट पॉइंट है दिखाई दे रहा है आप लोग ये सब ओरिजिनल है आप ये कितना सेंचुरी से आया हुआ था बोला ये पत्थर कुछ किसी में दिखाई दे रहा है ओ ये सामान लोग ना पहाड़ कुत्ते से पहाड़ कुत्ते से मेरे को ये सब मिला और इनका स्टोरी अभी तक खोजबीन जारी है लेकिन रिसर्चर का यही कहना है कि ये शायद 12th से 15th सेंचुरी के बीच में क्या होगा दैट मीन्स ये देवी लुक का है ना ये जो क्या देवी का क्या बोलेगा इसको ये चलो हम बता देते हैं ये इसका जो है स्टोरी जो कृष्ण जो रुक्मणी को लेने के लिए आए थे रुक्मणी जो है कृष्ण को मतलब बहुत प्यार करता था लेकिन उसका रुक्मणी का भैया जो वो नहीं चाहता था कि कृष्ण को अपना मतलब रिश्तेदार बनाने के लिए लेकिन भी उसका दिल में रुक्मणी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था लेकिन भी उसका ज़बरदस्ती से उसका भैया जो ज़बरदस्ती से शादी करवाने का कोशिश कर रहा था तो उसमें क्या हुआ है कि शादी करने का कोशिश कर रहा था तो फिर क्या हुआ है कि रुक्मणी जो शादी होने से पहले में सुबह को मंदिर जाएगा बोला तो फिर वो मंदिर के लिए निकल पड़ा फिर वहाँ पर क्या कर दिया कि श्री कृष्ण ने वो मंदिर से मतलब जैसे ही वो मंदिर से चढ़ा और मंदिर से नमने के बाद में उनको रथ लेकर आ गया था कृष्ण जो लेके आने के बाद में फिर वो लोग यहाँ पे प्रस्थान निकल गए थे मतलब उसको अगवा करके भी नहीं बोल सकते लेकिन उसका सहमति से उसको लेकर गया था फिर एक शाम जो रुकने के लिए यहाँ पे वो लोग रुका है ऐसे मान्यता है और ऐसे मानते हैं कि शिव जी और पार्वती जो उन्होंने आश्रय दिया था मतलब एक रात रुकने के लिए यहाँ पे जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो ऐसा मान्यता है मालिनीतान टेम्पल का जैसे मुझे ज्ञान है ऐसा सच्चाई पता नहीं और भी कुछ भी हो सकता होगा लेकिन जितना तक मुझे इसका हिस्टोरी के बारे में पता है वो मैंने कोशिश की आप लोगों को शेयर करने की
थैंक यू अकल जी, ये हम लोग को बताया रुक्मणी के बारे में और कृष्ण के बारे में। ये आर्कियोलॉजी उस समय का ही है जब कृष्ण जब था, जब रुक्मणी अरे तू जा रही है।